थपकी थपकी प्यार की। थपकी सुनो तो, आज देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि इस घर में सब कुछ पहले जैसा हो गया, और मेरी खुशी तो दुगनी हो गई है ये देखकर कि तुम्हारे और बिहान देवर जी के बीच में सब कुछ ठीक हो गया। बट आई नो तुम बिहान जी को कितना भी माफ कर लो, लेकिन तुम कभी ये भूल नहीं सकती कि उन्होंने तुम्हारे साथ कितना बड़ा धोखा किया था। बात सुनने में थोड़ी कड़वी लग रही है, लेकिन है तो सच्चाई ना। पता मेरे पापा क्या कहते हैं कि लाइफ में जो तुम्हें सबसे पहला मौका देना उसे कभी धोखा मत दो, और जो तुम्हें धोखा दे उसे कभी दूसरा मौका मत दो। मैं जो कहने की कोशिश कर रही हूं तुम समझ गई ना? खैर तुम तो समझदार हो, और समझदार को तो इशारा ही काफी होता है ना? ठीक है, गिरगिट है ये गिरगिट। तुम ये ना कोई भी बात का बिल्कुल ही बुरा मत मानना। थपकी देखो, अगर तुम बिहान देवर जी की अच्छाइयां याद करोगी ना थपकी, तो उनकी बुराइयां अपने आप खत्म हो जाएगी। इसलिए थपकी बिहान देवर जी को ना अपनी नजरों से देखो, ना कि दूसरों की नजरों से, समझी? और थपकी वैसे भी तुमको पता है हमारे बाबूजी एक बात कहते हैं, अगर मक्खी बार बार आकर कान में भिनभिनाए ना तो उसकी बोली समझनी नहीं चाहिए, बल्कि उसे एक थप्पड़ मार के ना अपनी भाषा समझा देनी चाहिए। समझी तो? ये श्रद्धा की बच्ची ना बिहान देवर जी और थपकी के एक होने में अपनी टांग जरूर अड़ाएगी, काना जरूर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। छुटकी क्या करेंगे वो चुड़ैल श्रद्धा का, और अभी तो वो प्रेग्नेंट भी है। मिल गया जवाब बड़की तुम्हारी बातों से। क्या जवाब? श्रद्धा पेट से है, तो बस इसी बात का फायदा हम लोग उठाएंगे, और इसी बात से ना श्रद्धा खुद फंसेगी, ना कि हम लोग। अरे पर कैसे? तू बस देखती जा बड़की। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। अरे भाभी आप मुझे यहाँ लेकर क्यों आई हैं? अरे बता रहे हैं ना, शादी। अरे तुम तीनों क्या खिचड़ी पका रही हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं रामचरितमानस पढ़ रही हूँ? जाओ यहाँ से। श्रद्धा को ना हम यहाँ जबरदस्ती लेके आए हैं। कहा है ना श्रद्धा पेट से है, और ऐसे समय में आप तो उनको बहुत सारी धार्मिक पिक्चर दिखाती है ना, पर इस समय आप दिखा नहीं पा रही है, तो कम से कम ये धार्मिक काम तो करने दीजिए। अब ना श्रद्धा बाबूजी को ये रामचरितमानस का पाठ पढ़ के सुनाएगी श्रद्धा, और इसी बहाने से ना बच्चा भी ना पाठ सुनेगा, और वो भी श्रद्धा के टमी में से, है ना दादी? श्रद्धा खड़ी का, चलो चलो जल्दी से ना अब बाबूजी को रामचरितमानस का पाठ पढ़ के सुनाओ। कैसी बातें कर रही हैं आप, मैंने तो लाइफ में ये रामचरित मानस ये कभी पढ़ा ही नहीं है, तो आप कैसे पढ़ूंगी? अरे श्रद्धा तो क्या हुआ, अभी नहीं पढ़ा तो अब पढ़ लो। भाभी लेकिन मेरी बात तो सुनिए। ओहो ये चंगू मंगू बिल्कुल ठीक कह रही है, नहीं तुम धार्मिक काम करोगी तो बच्चे को भी अच्छे संस्कार मिलेंगे, क्यों बलू? ठीक कहा ना मैंने? बाबूजी ने भी यस कहा। चल श्रद्धा बेटा आ जा इधर, तू पाठ कर। आइए दादी माँ, तब तक के ना आप अपने कमरे में चल के आराम कर लीजिए। ठीक। अरे श्रद्धा से खड़ी क्यों, चलो बैठो पाठ सुनाओ। बरनी ना जाई मनोहर जोरी, शोभा बहुत थोरी मति मोरी, राम लखन सिए सुंदरताई, सब चित वही चित मन मति लाई।
जी मैं एक मिनट में आई हूँ। अरे अरे श्वेता, कहाँ जा रही हो? ऐसे पार्ट अधूरा छोड़ना अशुभ माना जाता है। और अब तो तुम ना आदत डाल लो, हर रोज ना तुम्हें 3 times बाजी को ये पार्ट सुनाना है। ओके श्रद्धा, अब खड़ी क्या हो, चलो बैठो, बाजी इज वेटिंग फॉर यू। बजाओ। जी एक मिनट। हाँ, अरे अरे श्वेता, कहाँ जा रही हो तुम? भाभी वो बैंड की आवाज, कोई तो बैंड। बैंड तो इधर भी बज सकता है, अगर दादी माँ आ गई तो। और वो भी किसका, वो तो पता है ना। चलो चलो पार्ट सुना, बैठो मस्त वाला पार्ट पढ़ो। हाँ, बिलो की बिलो कति धरनी, ठीक हो रहे हैं ना? उस खुशी में ढोल नगाड़े वालों को ले। अरे पागल हो गया क्या? बाबूजी ठीक हो रहे हैं, तुमने आराम की, शांति की जरूरत है, ना कि शोर शराबे की। पर दादी माँ, ध्यान, जब तुम्हारे बाबूजी ठीक हो जाएंगे ना, तब इनको फिर बुला लेना, अभी भेज रहे हैं वापस। चलिए माँ जी। कैसी रही? क्या आवाज, ढोल नगाड़ी सुनाई दी? अरे ये सब हमने तुम्हारे लिए तो किया था, अब आई ना आवाज नगाड़ी की? नहीं, उल्टा मैंने जैसे ही तुम्हें देखा ना, मुझे जो भी कुछ सुनाई दे रहा था वो भी सुनाई देना बंद हो गया। गजब, पूरा परिवार नगाड़े की आवाज सुन के बाहर आ गया और तुम्हें आवाज ही नहीं सुनाई दी? यार मना करना तो वैसे ही कर, तो झूठ क्यों बोल रही? तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हो? मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो कुछ भी पहले तुम्हारे साथ हुआ था ना, वो सब मेरे साथ नहीं हो रहा है। सोचती रहो तुम बैठ, जब समझ में आ जाए तब हमें बता दे। 1 साल बाद, 4 साल बाद, 50 साल बाद, जब समझ में आए तब बता देना। देखो मेरे